मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रीतोस ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है महाबलेश्वर पे। मैं लाइफ में पहली बार महाबलेश्वर जा रही हूँ एंड देखो ना, एक्साइटमेंट लेवल भी इतना है कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई, मतलब 4 बजे उठ के रेडी हो गई। ऑलमोस्ट मैं पूरा रेडी हो गई हूँ, बस शूज़ पहन के निकलना ही है। तो अभी तो काफ़ी लोग सब सो रहे हैं और मैं अकेले उठ के यहाँ वीडियो बना रही हूँ, बड़बड़ कर रही हूँ। तो कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और आप लोग देखते रहिए महाबलेश्वर ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। ये जो रास्ते का इतना खूबसूरत हाल बना है, ये कल रात की बारिश का नतीजा है। और हाँ, मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है, बिकॉज बहुत अंधेरा है यहाँ पे और 4 बजे मैं अकेले कैसे जाऊँगी। बस सुबह ऑटो मिलना मुश्किल था, बट आई एम लकी, मुझे तो मिल गया। तो चलो चलते हैं स्टेशन। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन, लेकिन ट्रेन काफी लेट है। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं फोनिक्स मॉल के पास और यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं। सह्याद्री ढाबा, जहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके। सब वेट कर रहे हैं कब आएगा खाना। खाने को दे रहे खाना तो आ गया, पर सबको खाने से ज्यादा
महाबलेश्वर पहुंच गए और ये बहुत बहुत अच्छी जगह है, मतलब सुपर्ब है। गांधी जी के तीन बंदर। ये लेडीज वाली आवाज क्यों निकाल? ये सब क्या चल रहा है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुखे सुखे सुखे। पहुंच चुके हैं और सॉरी मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसके लिए मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम, लेट मी शो यू। और ये है बाथरूम। तो
ये था हमारा रूम, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा रूम। और इसके बाद अभी हमारी पार्टी होने वाली है, जिसके लिए हम ओवरऑल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम पार्टी में जा रहे हैं, हम डांस करेंगे, खाएंगे पियेंगे, घूमेंगे, डिनर करेंगे और सोने के लिए आएंगे। तो चलते हैं, वरना बहुत डार्क। हम लोग कब से घूम रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ पार्टी चल रही है, बस घूम रहे हैं। यहाँ हाँ ये साइड बहुत अंधेरा है, बट आई एम हियर। भुक्कड़ इंसान, गुलाब जामुन तो देख लो, हाँ देख लो पूरा, वो अपना वो पी लिए ना इसमें। क्या सुनो सुनो मैडम, वो थोड़ी पी है, क्या नाम, क्या बता उसका, क्या नाम, एनर्जी ड्रिंक का। मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह हो गई, अभी तो नींद भी नहीं पूरी हुई है। और देखो फिर से रेडी होके जाने का है, 9 बजे फिर टच होना है। फाइनली मैं उठ गई हूँ, लेकिन मौसम इतना ठंडा है ना कि बहुत अच्छी नींद आ रही थी। पूरा फॉग फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ सच में नहीं दिख रहा कि इसके बाहर क्या है। फिर यहाँ पे तो थोड़ा बहुत क्लीन है तो दिख रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है। देखो तो बादल धीरे, पता नहीं चल रहा ज़मीन है भी कि नहीं है। नहीं एक्चुअली कुछ है, पुल जैसा कुछ तो भी बना है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा शायद पुल बना हुआ है आई थिंक, बट फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है प्रॉपर, है ना। मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है एक मंदिर, बट मैं अभी नहा ही नहीं हूँ तो मैं अभी तो नहीं जा सकती हूँ, जब जाएंगे तो दिखा देंगे। अदरवाइज़ आप बंदरों को देखिए, बहुत सारे बंदर भी हैं यहाँ पर। रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं स्टेशन के लिए। अभी मजा आएगा ना।